गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लासेस। आई एम राहुल गुप्ता, साइंस एक्सपर्ट। लेट्स स्टार्ट अ स्पेशल वीडियो ऑफ क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता, एंड दैट इज़ अ स्पेशल वीडियो फॉर यू। क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस इनऑर्गेनिक में प्रैक्टिकल ऑफ सॉल्ट। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं कुछ एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि इसमें दिख रहा है, देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव यदि इनऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं आप, तो उसमें आपको सॉल्ट्स मिलता है, और वो सॉल्ट्स आपका उसमें दो रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। एक एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एनायनिक पार्ट, दूसरा होता है बेसिक रेडिकल जिसे हम बोलते हैं कैटायनिक पार्ट। लाइक हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuOH होल ट्वाइस। जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड आप मिक्स करेंगे तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा और फॉर्म कर लेगा CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और 2H2O। अब कॉपर सल्फेट किससे मिलकर बना हुआ है, एक एसिडिक रेडिकल से, एक बेसिक रेडिकल से। जो एसिडिक रेडिकल होगा वो एनायनिक पार्ट होगा, एनायनिक पार्ट कौन सा, सल्फेट आयन। बेसिक रेडिकल जो होगा वो कैटायनिक पार्ट होगा, कैटायनिक पार्ट पर कैसे होगा, प्लस चार्ज जैसे कॉपर आयन। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसे चम्मच से लिएगा, एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। एसिडिक रेडिकल तीन ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला ग्रुप देखिए, एसिडिक रेडिकल में जो ग्रुप वन है वो है सल्फाइड, सल्फाइड कार्बोनेट एसिटेट एंड नाइट्रेट। सल्फाइड की बात करें तो S2-, सल्फाइड की बात करें तो SO3-, कार्बोनेट CO3-, एसिटेट CH3COO- और नाइट्राइड Na2-। ये पांच आपके जो एसिडिक रेडिकल हैं यानी एनायनिक पार्ट हैं, ये आपके ग्रुप वन में आते हैं। इन्हें आप शॉर्टकट में इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हों तो वहाँ पर HS-, HSO3-, HCO3- भी हो सकता है। और इसे शॉर्ट में याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सलमान शाहरुख करण अर्जुन नाइट आउट, पूरा टर्म एज अ नेम वाइज यू कैन लर्न। ठीक है स्टूडेंट, सलमान शाहरुख करण अर्जुन नाइट आउट, समझ में आया स्टूडेंट्स। पांच आपको कंपोनेंट बताया मैंने सल्फाइड में, सल्फाइड कार्बोनेट एसिटेट एंड नाइट्राइड। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत क्लियरली इंपॉर्टेंट वीडियोस है, वीडियोस को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। उसके बाद जो ग्रुप टू आता है, ग्रुप टू में आपके पाँच उसमें भी हैं, ये भी एनायनिक पार्ट हैं, एसिडिक रेडिकल हैं। पहला क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन Br-, आयोडाइड आयन I-, ऑक्सिलेट आयन C2O4-2-, या इसका दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हो सकता है COO होल में -2, नाइट्रेट आयन NO3-। ये पांच कंपाउंड हैं आपके यहाँ पर भी, बहुत ध्यान से नोट करते चलिएगा। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड ग्रुप को याद करने के लिए आप बिल्कुल सिंपल सा टर्म में याद कर सकते हैं। S सबसे पहला था क्लोरीन, क्लोरीन के लिए आप बोल सकते हैं सीला, सी से बन गया, बी से ब्रोमाइड था बनी, आई से आयोडीन आइटम। उसके बाद हमने वर्ड ले लिया ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट फोर्थ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रुप टू अब नाइट्रेट था तो नाइट्रेट, ठीक है, तो आपके लिए एक शॉर्ट टर्म बिल्कुल एक सिंपल सी टर्म बन गई, सीला बनी आइटम, तो ऑक्सिलेट ने ग्रुप टू का नाइट्रेट बढ़ा दिया। सीला बनी आइटम तो ऑक्सिलेट ने ग्रुप टू का नाइट्रेट बढ़ा दिया। इस तरीके से एक सिंपल सा ग्रुप टू से आपको पता भी चल जाएगा कि ग्रुप टू कैसे याद करना है, बिल्कुल सिंपल से टर्न याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप थ्री, ग्रुप थ्री में आपके जो एलिमेंट हैं वो चार एलिमेंट हैं, यहाँ पर चार एसिडिक रेडिकल्स हैं जिन्हें आप पढ़ना है। सबसे पहला रेडिकल है बोरेट BO3-3, सल्फेट SO4-2, फॉस्फेट PO4-3 एंड फ्लोराइड F-1। इसे भी सिंपल से याद कर सकते हैं, बी बोरेट था बहुजन ले लिया, सल्फेट समाज, फॉस्फेट के लिए पार्टी, और ग्रुप थ्री से हैं, और लास्ट में फ्लोरीन के लिए हमने ले लिया, फ्लोरीन के लिए ले लिया हमने फूल। तो शॉर्ट टर्म में आप याद कर सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने ग्रुप थ्री को फूल दिया, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म। ग्रुप थ्री के लिए बहुजन समाज पार्टी ने ग्रुप थ्री को फूल दिया, समझ में आया स्टूडेंट्स।
एक बार और रिमाइंड करेंगे। देखिए फ्लोराइड आयन था लास्ट वाला आपका, ग्रुप वन में आपका था, दोबारा से एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहला सल्फाइड, फिर सल्फाइड, फिर कार्बोनेट, फिर एसीटेट और उसके लास्ट में नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप को छोड़ेंगे। यदि बाकी चारों रिएजेंट या एसिडिक रेडिकल्स की बात करें तो उनके लिए हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl। स्टूडेंट यदि आप इन एसिडिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो वहाँ पर आप इन रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद ग्रुप टू आता है जिसमें आपका क्लोरीड आयन, ब्रोमीन आयन, आयोडीन आयन, ऑक्सीलेट ग्रुप है। इसमें भी नाइट्रेट को छोड़ देते हैं, एक एक छोड़ते हुए चलते हैं, बाद में बताएंगे आपको इसका रीज़न। इसमें रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यदि आप इस ग्रुप के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ऑक्सीलेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो वहाँ पर रिएजेंट आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। अब आता है ग्रुप थ्री। ग्रुप थ्री क्या कहता है वो भी देख लीजिए। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्री आपका था बोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट और क्लोराइड। इन चारों को आप रिएजेंट यूज नहीं करेंगे, उनकी अलग फंडा बताऊंगा मैं बिल्कुल। अब सबसे पहले ग्रुप से बात करते हैं स्टूडेंट्स। यदि आप किसी भी सॉल्ट को एक्वस फॉर्म में यानी कि वाटर में डिजॉल्व करते हो, फिर उसमें आपको बताया कि मैंने ग्रुप वन को आइडेंटिफाइड करने के लिए हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। जब आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना स्टार्ट करोगे तो उसमें से कोई ना कोई सी गैस रिलीज्ड होगी, जैसे कि मैं गैस में आपको दिखा रहा हूँ। यदि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यदि वो गैस कौन सी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसका मतलब उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कलरलेस रहेगी, ऑडरलेस रहेगी, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक में देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक में क्या गैस निकलती है, बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, उसमें ना तो कोई स्मेल होती है ना ही कोई कलर होता है। उसके बाद यदि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस निकलती है तो वो कलरलेस रहेगी और उसकी जो स्मेल होगी वो होगी बिल्कुल रोटन एग की, अंडे की तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरी आती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यदि वो गैस कलरलेस और पिगमेंट स्मेल है उसकी तो वो SO2 गैस है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को भी मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, यदि गैस जो रिलीज हो रही है वो ब्राउन कलर गैस है तो वो NO2 गैस रहेगी, उसे आप स्मेल से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। और लास्ट है आपका CH3COOH, एसिडिक एसिड जिसे बोलते हैं, यदि वो कलरलेस विनेगर टाइप की स्मेल वहाँ से रिलीज होती है तो वो एसिडिक एसिड रहेगा। अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई, इसे आगे समझिए वन बाय वन करके। हाँ भाई स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे, देखिए इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला ग्रुप मैंने आपको ग्रुप वन में जो एसिडिक रेडियल में बताया उसमें आपको कार्बोनेट ग्रुप बताया था तीसरे नंबर पे। यदि कार्बोनेट आयन डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो वो एक अनसॉल्युबल जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक एसिड वो फॉर्म करेगा, कार्बनिक एसिड। उस कार्बनिक एसिड्स को यदि आप अनस्टेबिलिटी उसकी वहाँ से हटाते हैं तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा H2 और CO2 में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो CO2 जो स्मेल निकलेगी वो बताएगी कि वहाँ पर कार्बोनेट एनायन प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या प्रेजेंट है, कार्बोनेट एनायन प्रेजेंट है। दूसरा यदि सल्फाइड और प्रेजेंट है, सल्फाइड प्रेजेंट है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज करेगी, जिसके लिए मैंने अभी बताया था आपको इस हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो कलरलेस रहेगी और रोटन एग की स्मेल उसमें से रिलीज होगी। यदि वहाँ पर सल्फाइड आयन आता है, कौन सा सल्फाइड, SO3 2-, तो वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके वहाँ पर आपका सल्फ्यूरस एसिड देगा जो कि अपने आप में अनस्टेबल है और वो कन्वर्ट हो जाएगा H2O और SO2 में। यानी कि यदि आपका एसिडिक रेडिकल सल्फाइड प्रेजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कलरलेस होगी और पिगमेंट स्मेल रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका CH3COO-, जिसे हम बोलते हैं एसीटेट आयन। एसीटेट आयन की रिएक्शन जब हम डाइल्यूट H2SO4 से करेंगे तो वो आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस एसिटिक एसिड की स्मेल को आप आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पर कलरलेस विनेगर स्मेल आपको आइडेंटिफाइड होगी। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको। लास्ट वाला आता है आपका नाइट्राइड ग्रुप, NO3 2-, तो यदि आप नाइट्राइड ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
तो वो नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अनस्टेबल है, वाटर में कन्वर्ट होगा, एनओ में नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और एनओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपको स्मेल कैसी आएगी, उस स्मेल में आपको ब्राउन कलर गैस मिलेगी। इस तरीके से मैंने आपको वहाँ पर एग्जाम्पल में बताया था कि ऐसी पांच चीज़ें आपको वहाँ पर आइडेंटिफाइड हो जाएंगी, ये रिएक्शन वहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने कोशिश करी कि यहाँ पर पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूँ दोबारा से। तो देखिए हमारे पास क्या है, जो आपका कप लगा हुआ है उसमें डाइल्यूट H2SO4 है, सॉल्ट लिया हुआ है वो भी एक्वस फॉर्म में, और एक दूसरा आपने L टाइप ट्यूब लगी हुई है जिसमें से गैस निकल रही है। यदि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे लाइम वाटर से रिएक्शन कराएंगे और लाइम वाटर रिएक्शन करते साथ ही मिल्की फॉर्म कर लेगा, जिसकी रिएक्शन मैंने नीचे दे रखी है। CaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा जो कि मिल्की फॉर्म कर देगा। उसके बाद एक और नेक्स्ट देखिए, यदि सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है तो वो भी आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फाइड, ये भी मिल्की टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। दूसरा हमारा आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं, दो से आप उसे कंफर्मेशन कर सकते हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट से, एक लेड एसीटेट से। यदि आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर जो आपका फिल्टर पेपर होगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। किस कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद वो आसानी से फिल्टर पेपर जो होगा वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी लेड एसीटेट से। लेड एसीटेट के साथ यदि वो रिएक्शन करता है तो वो भी ब्लैक कलर का लेड सल्फाइड बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं PBS, लेड सल्फाइड, और एसिटिक एसिड वहाँ से अलग हो जाएगा। इसकी दोनों रिएक्शन भी देख लीजिए आगे। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो सिल्वर सल्फाइड बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड की लेड एसीटेट के साथ तो लेड सल्फाइड बन गया, और ये आपका ग्रुप वहाँ पर फॉर्म हो गया जो कि फिल्टर पेपर को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक, चलिए आगे रिएक्शन देखते हैं। तीसरी रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन आती है, क्या आती है, SO2 रिएक्शन आ रही है, तो SO2 को आइडेंटिफाइड करने के लिए आप कैसे करेंगे, तो देखिए वहाँ पर आप लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन। यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन आप लेते हैं तो वो ऑरेंज कलर का होगा। जब आप उसमें डिप करेंगे तो डिप करने के बाद क्या होगा, वो फिल्टर पेपर आपका ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। यदि वही रिएक्शन आप पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराते हैं, उसके एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कराएंगे, तो वो क्या होगा, कलरलेस कन्वर्ट हो जाएगा या फिर लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता होगा पोटेशियम परमैंगनेट जो है पर्पल कलर का रहता है, और जब हम उसकी रिएक्शन करा देंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो फिल्टर पेपर जो है कलरलेस या लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। जब वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम आयोडाइड का जो फिल्टर पेपर रहेगा वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर। यदि उसमें से एसिडिक एसिड गैस निकल रही है तो एसिडिक एसिड को आइडेंटिफाइड करने के लिए आप फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएं तो फिल्टर पेपर आपका ब्लड रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इनकी रिएक्शंस मैं आगे आपको समझा रहा हूँ, इसे नोट करते चलिएगा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ वाली आपने दोनों रिएक्शन नोट कर ली होंगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड की सिल्वर नाइट्रेट और लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए ये रिएक्शन देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगी तो वहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल और न्यूसेंट ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल निकल लेंगे। ये न्यूसेंट मॉलिक्यूल जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। तो इसकी कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 3SO2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइज प्लस H2। यहाँ पर ये एक रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। आगे बात करते हैं चलिए।
तो क्रोमियम आयन जो रहेगा वो ग्रीन कलर का आपका फॉर्म करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल और 5 न्यूसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज करेगा, और वो 5ों मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएंगे, सल्फर ट्राईऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी। तो उसकी जो फाइनल रिएक्शन होगी वो होगी 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। और इसमें जो Mn2+ रहेगा वो कलरलेस रहेगा, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर कर रही है, मैग्नीज आयन जो रहेगा वो कलरलेस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, जब एसिडिक एसिड की जो रिएक्शन आपकी यहाँ पर रिलीज होगी, जिसका जो स्मेल होगी वो विनेगर टाइप रहेगी, जब वो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगी तो वो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगी और ब्लड रेड कलर वहाँ पे फॉर्म करेगी, FeCH3COOH3। और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराओगे आप यदि वहाँ पर NO2 के साथ, तो वो KNO2 वायलेट कलर का फॉर्म करेगा, आयोडीन वहाँ से डिस्चार्ज कर देगा। तो FeSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस एसिटिक एसिड प्लस नाइट्राइट NO3-1 सॉल्ट, ये सॉल्यूशन जब आप मिक्स करोगे तो वहाँ पर एक आपका टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। वो ब्राउन रिंग जब आपका, जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड आपका मिलाया, फेरस सल्फेट मिलाया, फिर उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, एसिडिक एसिड वहाँ से रिलीज होगी और वो नाइट्राइड आयन उसके अंदर मिक्स होगी, तो मिक्स होने पर वो एक क्रिएट करेगा ब्राउन रिंग, मिक्सचर में ब्राउन रिंग क्रिएट करेगा, और इसीलिए वहाँ पर हम बोलते हैं उसे ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसके बारे में आगे। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी सोडियम नाइट्रेट की। सोडियम नाइट्रेट जब आप रिएक्शन करेगा वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सोडियम सल्फेट और नाइट्रस एसिड बन जाएगा। वो नाइट्रस एसिड आपका डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, और यही नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये आपका फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बनाएगा, जो कि अपने आप में ब्राउन कलर रिंग रहती है। यदि आपका वायरल विटल वायरल, जिसे बोलते हैं हम, फेरस सल्फेट में 7 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे क्रिस्टल वाले, और वो सोडियम नाइट्रिक या कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो आपका क्या करेगा वहाँ पर एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, FeH2O5NO+2H2O, जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आयरन में प्रेजेंट रहेंगे। कैसे प्रेजेंट रहेंगे उसे भी पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए आगे। तो यदि आपको नाइट्राइट का टेस्ट करना है और नाइट्रेट का टेस्ट करना है, तो इन दोनों टेस्टों में आपका एक डिफरेंस रहता है कि नाइट्रेट टेस्ट करने के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं और नाइट्रेट टेस्ट करने के लिए कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट करते हैं, और दोनों ही ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप यहाँ पर, नाइट्राइट आयन है तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन, नाइट्रेट आयन है तो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, और दोनों के दोनों ही ब्राउन रिंग टेस्ट से आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। उसके बाद ग्रुप टू आता है। ग्रुप टू में यदि आपके पास सॉल्ट है और उसका एक सोल्यूशन आप फॉर्म करते हैं, तो उसकी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, वहाँ से भी गैस रिलीज होगी। और नॉर्मली इसको आइडेंटिफाइड करने का तरीका देखिए, यदि आपका ऑक्सीलेट आयन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी। क्लोरीन आयन है तो क्लोराइड गैस, क्लोरीन गैस निकलेगी। ब्रोमीन आयन है, ब्रोमीन गैस निकलेगी जो कि ऑरेंज ब्राउन कलर की रहेगी। आयोडीन आयन है तो आयोडीन गैस निकलेगी जो कि वायलेट कलर की रहेगी। नाइट्राइट आयन रहेगा तो वहाँ पर नाइट्राइट आयन के लिए आप रेडिस ब्राउन कलर की NO2 गैस रिलीज होगी। कैसे रिएक्शन करेंगे उस चीज़ को ध्यान से देखिए। तो ऑक्सीलेट आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर का आपका Ag2C2O4 यानी सिल्वर ऑक्सीलेट फॉर्म करेगा, जो कि वाइट PPT कलर फॉर्म होता है। नॉर्मली इसमें जो रिएजेंट रहेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पर वो आपका सिल्वर नाइट्रेट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे दो रिएक्शन को देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो है, जब आप ऑक्सीलेट आयन के साथ रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट की, तो वाइट PPT फॉर्म कर रहा है। क्लोरीन आयन के साथ रिएक्शन करेगा सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर क्लोराइड वाइट PPT फॉर्म करेगा यहाँ पर भी। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो लाइट येलो PPT फॉर्म करेगा सिल्वर ब्रोमाइड की। तो इन रिएक्शंस को आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, जैसे इसमें ऑक्सीलेट आयन की है, क्लोराइड आयन की है या ब्रोमीन आयन की है, और इसमें आपको सिल्वर नाइट्रेट से ही आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। वाइट PPT आपको फॉर्म होगा कार्बो ऑक्सीलेट के साथ रिएक्शन करने पर,
क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड आयन रहेगा और सिल्वर ब्रोमाइड आपका लाइट येलो पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए रिएक्शन। इसके बाद रिएक्शन में यदि आयोडीन आयन प्रेजेंट है तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर आयोडाइड फॉर्म करेगा जो कि डार्क येलो कलर का रहता है। उसके बाद लास्ट है आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट यदि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है कैटायन सेम होगा वहाँ पर एनायन, और उसके साथ ना तो वो कोई रिएक्शन करेगा ना ही पीपीटी फॉर्म करेगा। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सीधे आप ब्राउन रिंग टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है वहाँ पर नाइट्रेट आयन के लिए, आपको तीन कंपोनेंट चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट आयन, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इन तीनों कंपोनेंट का यानी तीनों सब्सटेंसेस का यूज़ करना है आपको। वन बाय वन इसकी रिएक्शन देखिए। जब हम सोडियम नाइट्रेट की फेरस सल्फेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक मिक्सचर प्रिपेयर्ड हो जाएगा, और जब ये मिक्सचर प्रिपेयर्ड होगा तो जैसे ही आपका कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिक्स होगा तो जिस पोजीशन पर वो मिक्स होगा वहाँ पर एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म्ड हो जाएगी। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, उस प्रिकॉशंस को आप समझना है। यहाँ पर पहले इसकी रिएक्शन देख लिए, सिल्वर नाइट्रेट लिया उसमें रिएक्शन करिए हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन ऑक्साइड और न्यूसेंट ऑक्सीजन में। उसके बाद फेरस सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड और न्यूसेंट ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके फेरस सल्फाइड और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। अब इसके जो आपके न्यूसेंट मॉलिक्यूल हैं उन्हें कैंसिल आउट करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी फाइनल रिएक्शन आपको मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो फेरस सल्फेट है वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा है क्योंकि वो नाइट्रोसर फेरस सल्फेट बना रहा है। वहीं यदि ग्रीन पिट्रल जिसमें आपका क्रिस्टल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है अपने आप में, जैसे कि जो जनरल लिखने की तरीका है वो है Fe H2O 6 SO4 H2O। जब इसकी नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो वो एक कंपाउंड बना लेता है, कंपाउंड होता है Fe H2O 5 NO (SO4) प्लस H2O 2 मॉलिक्यूल वहाँ से अलग हो जाते हैं। तो जो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनना है Fe H2O 5 NO SO4 ये भी एक ब्राउन रिंग फॉर्म करता है। स्टूडेंट्स क्या फॉर्म करता है? ब्राउन रिंग। तो इस ब्राउन रिंग को भी आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए, ये जो आपका फेरस एक कंपाउंड फॉर्म्ड हुआ था जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड SO4 भी था, Fe H2O 5 NO SO4 ये भी एक ब्राउन रिंग फॉर्म कर देगा। यहाँ से सल्फेट आयन अलग हो जाएगा और जो कैटायन चार्ज रहेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Fe H2O 5 NO+2 + SO4-2 तो ये भी अपने आप में एक ब्राउन रिंग क्रिएट करेगा। रीज़न क्या है? Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4S2 होता है। यदि आप इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कैसा रहेगा? फर्स्ट पोजीशन पर Fe+1 के लिए यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वहीं जब S ब्लॉक खाली हो जाएगा तो वहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। रीज़न क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड रिप्रेजेंट होगा NO। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 कंपाउंड आपके ब्राउन रिंग में आ गए, एक Fe SO4 NO, Fe H2O 5 NO SO4, Fe H2O 5 NO+2। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे वाले दोनों जो हैं वो sp³d² टाइप हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करेंगे। Fe+1 जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो रहेगा वो √15 = 3.87 रहेगा, यानी कि उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखिए यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे NO के लिए तो आपका Fe पर कितना चार्ज है? +1। वाटर के लिए 0 रहेगी और X हमने NO के लिए लेट कर लिया। ओवरऑल चार्ज कितना था? +2। तो NO के लिए ऑक्सीडेशन नंबर यानी X की वैल्यू कितनी आ गई? +1। यानी कि NO क्या है वहाँ पर? एक पॉजिटिव लिगेंड है। sp³d² का इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ठीक है, S की एक ऑर्बिटल है, p की 3, d की 2। अब इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? ये NO+1 जो है ये नाइट्रोसेलिम रहता है। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोसेलिम।
कुछ प्रिकॉशंस रहती हैं इसमें, जाकि आपको इजीली ये ब्राउन रिंग टेस्ट मिल जाए। इसमें फर्स्ट है कि आपका FeS4 फेरस सल्फेट जो है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। यदि वो लॉन्ग टाइम तक रखा रहता है तो ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2SO4 होल्थ्राइज, यानी कि फेरस सल्फाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। उसके बाद स्टूडेंट सेकेंड प्रिकॉशन जो है उसमें लेड नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट, ये हम यूज़ नहीं करते हैं नाइट्रेट के लिए और सल्फेट में, ये इस सॉल्यूशन में यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा लेड सल्फेट भी है, कैल्शियम सल्फेट भी, बेरियम सल्फेट भी, एल्यूमिनियम सल्फेट भी, ये आपको यूज़ नहीं करने हैं इस टेस्ट के लिए। थर्ड पोजिशन कहलाती है यदि आप जो आपका FeSO4 और NO का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसे यदि आप शेक कर दें, हिला दें या हीट कर दें, तो इससे आपकी जो ब्राउन रिंग क्रिएट हो रही है वो वहाँ से हट जाएगी। ना तो हमें उस सॉल्यूशन को हीट करना है और ना ही उसे शेक करना है, शेक भी नहीं करना है आपको, ये बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो चाहे वो गैस फॉर्म में या मिक्सचर में, तो FeSO4 NO फॉर्म कर लेगा वहाँ पर, इसके अलावा और कोई गैस वहाँ पर फॉर्म नहीं होगी। और इसे आप जैसी हीट करेंगे वहाँ से NO जो रहेगा वो गैस की फॉर्म में वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट की बात करें, लाइक हमारा जो आपका नाइट्रोजन जो गैस फॉर्म्ड हो रही है उसे देखते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है यदि हम थर्ड ग्रुप के सॉल्ट लेते हैं तो उसमें कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट FeSO4 मिलाएंगे तो उसमें कोई गैस नहीं निकलेगी, ना ही तो सल्फेट आयन में ना ही फॉस्फेट आयन में। तो सल्फेट आयन और फॉस्फेट आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। सल्फेट जब रिएक्शन करेगा सिल्वर नाइट्रेट से तो सिल्वर सल्फेट बना लेगा जो कि वाइट PPT रहता है, नाइट्रेट आयन वहाँ से आपका रिलीज कर देगा। फॉस्फेट आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद सिल्वर फॉस्फेट बना लेगा और नाइट्रेट आयन वहाँ से रिलीज कर देगा और वो कलर आपका येलो PPT रहेगा। इस तरीके से आप इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 जो भी आपके बेस एसिडिक रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन थे वो मैंने यहाँ पर आपके रिप्रेजेंट कर दिए और उसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। स्टूडेंट्स यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ईजिली फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियोज़ पसंद आई तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।